सब्सक्राइब करें टेक्निकल इन्फॉर्मेशन गुरु चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप अपने YouTube चैनल के लिए, अपने ब्रांड के लिए लोगो बनाना चाहते हो तो आप ऑनलाइन इसे बड़ी आसानी के साथ बना सकते हो। और इसको कैसे बनाते हैं यह जानना है तो वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। ओपन करने के पश्चात आपको यहाँ से एक वेबसाइट पर जाना है जिसका नाम है placeit.net। इस वेबसाइट को आपको खोल लेना है। वेबसाइट ओपन हो रही है। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर लोगो बनाने के लिए लोगोस पर क्लिक कर देना है। लोगोस पर क्लिक करोगे वेबसाइट लोड होने के बाद ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको अपने ब्रांड का या फिर अपने YouTube चैनल का लोगो का नाम टाइप करना है। मैंने अपने YouTube चैनल का नाम यहाँ पर टाइप कर दिया है। आप भी अपने ब्रांड का नाम यहाँ टाइप कर सकते हो और टाइप करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना। यहाँ पर ये कह रहा है प्लीज़ पिक एन इंडस्ट्री। आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है कि आप लोगो किसके लिए बनाना चाहते हो। मैंने इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं। यहाँ पर आर्किटेक्ट है, अल्टरनेटिव मेडिसिन, अगर आप दवाई से संबंधित अगर कोई ब्रांड है आपका तो आप यहाँ से उस पर भी क्लिक कर सकते हो। ब्यूटी, कार वॉश, चर्च, डे केयर, डिज़ाइन, एजुकेशन से संबंधित कोई लोग यूट्यूब चैनल है तो आप उसके सेलेक्ट कर सकते हो। मेरा यहाँ पर गेमिंग है तो मैं गेमिंग पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे गेमिंग पर क्लिक किया यहाँ पर बहुत सारे गेमों के नाम आ रहे हैं। मैं यहाँ पर पबजी पर क्लिक करता हूँ। मैं पबजी गेमिंग के लिए लोगो बनाना चाहता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको लेट्स गो पर क्लिक कर देना है। वेबसाइट लोड होने के बाद यहाँ ओपन हो जाएगी। ठीक है, ओपन होने के बाद आपको यहाँ से मल्टीपल चॉइसेस के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोगोस दे रखे हैं। आप वहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें थोड़ा कलर चेंज करूँगा। कारण है कि बहुत सारे दूसरे लोगों ने भी हो सकता है इस वेबसाइट से इस तरह के लोगो बनाए हों, तो इसमें थोड़ा हम चेंज करते हैं। यहाँ पर इस कलर को मैं चेंज करके यहाँ थोड़ा सा ब्लू कर देता हूँ और ये जो रेड वाला है उसको थोड़ा मैं डार्क रेड कर देता हूँ। इस तरह से आपको कलर चेंज कर देना है। फिर आप ऊपर की तरफ स्लाइड करके इसमें से सेलेक्ट कर सकते हो। मुझे ये वाला लोगो पसंद आ रहा है तो मैं इस पर लॉन्ग प्रेस करता हूँ और डाउनलोड इमेज पर क्लिक कर देना है और इसे डाउनलोड कर लेना है। आपको अगर कोई दूसरा पसंद आता है तो उस पर आप लॉन्ग प्रेस करके डाउनलोड इमेज पर क्लिक करके उसे डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद यहाँ से मैंने जो डाउनलोड्स किया है उसको सेलेक्ट करने के लिए डाउनलोड्स पर क्लिक कर देता हूँ और मैंने जो ये सेकेंड वाला है उसको मैं देखता हूँ। हाँ, ये डाउनलोड हो चुका है और मेरे मोबाइल की गैलरी में ये आ चुका है। अब आपको एक और ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है इरेजर। ठीक है, तो मैं प्ले स्टोर में जाकर बता देता हूँ। यहाँ प्ले स्टोर में यहाँ पर लिख देता हूँ इरेजर और इसको सेलेक्ट कर देता। इस ऐप का नाम है बैकग्राउंड इरेजर। आप इसका ये जो लोगो दे रखा है बिल्कुल खाली है तो इसको देख लेना आप। और यहाँ ओपन पर क्लिक करता हूँ। आपको इंस्टॉल करना होगा अगर आपके मोबाइल में ये नहीं है तो। मेरे पहले से डाउनलोडेड है इसलिए मैं इसको इंस्टॉल नहीं करता हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ से नेट भी बंद कर देता हूँ और लोड ए फोटो पर क्लिक करता हूँ जिससे कि मेरी गैलरी में सेव वो जितने भी फोटोज़ ओपन हो जाएंगे। मैंने जो डाउनलोड किया है उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से अब आपको इसे क्रॉप कर लेना है, छोटा कर लेना है। मैं इसे क्रॉप करके छोटा कर लेता हूँ और डन पर क्लिक करता हूँ। डन पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर इसका जो बैकग्राउंड वाइट वाला है पीछे का उसे हटाना है, क्योंकि ये जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है प्लेस इट, जो कि जिस वेबसाइट से हमने डाउनलोड किया था। अब बैकग्राउंड को हटाने के लिए हम यहाँ पर ऑटो पर क्लिक करेंगे तो आप ये रेड वाला सिलेक्शन ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो उसको यहाँ से ये वाइट जहाँ दिख रहा है उस पर ला के छोड़ देना है। जैसे उसको छोड़ेंगे वो बैकग्राउंड पूरा रिमूव हो जाएगा, पूरा हट जाएगा। अब ये PNG फॉर्मेट में बदल चुका है। अब इसको हम डन पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, डन पर क्लिक करने के बाद इसको हम सेव कर लेते हैं। ये रेटिंग के लिए पूछ रहा है तो आप नो थैंक्स कर सकते हो, चाहे तो इसे रेड दे सकते हो और यहाँ पर फिनिश पर भी क्लिक कर देना है। अब लोगो है वो मोबाइल की गैलरी में आ चुका है। मैं इसको बैक करके देखता हूँ कि क्या वो डाउनलोड हुआ है। गैलरी ओपन करता हूँ और रिसेंट पर क्लिक करता हूँ। हाँ, लोगो मेरे मोबाइल में डाउनलोड हो चुका है और इस पर किसी भी प्रकार का वेबसाइट का नाम नहीं आ रहा है। ये बिल्कुल PNG फॉर्मेट में है। अब इस लोगो को मैं अपने YouTube चैनल पर प्रोफाइल में इसे डाल सकता हूँ, इससे कि मेरा चैनल या फिर मेरा जो ब्रांड है वो बिल्कुल ही अच्छा और सुव्यवस्थित लगेगा। ये लगेगा बिल्कुल प्रोफेशनली तरीके से लोगो बनाया गया है। अगर आप इसी तरह के वीडियोस और देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारे वीडियो ने आपको थोड़ी सी भी सहायता की हो तो साथ में से लाइक शेयर भी जरूर करें अपने मित्रों के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।